नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज छ गुरु पूर्णिमा, अपना शिक्षा दीक्षा देनिहार गुरु के सम्मान करत मनाओल जा रहल है गुरु पूर्णिमा। नेपाली भाषा का आदिकवि भानुभक्त आचार्य के छी आज जन्म जयंती। एहि अवसर पर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा देलनि शुभकामना। संघीय संसद के निचला सदन प्रतिनिधि सभा के आए बैसल बैसार। बैसार में गृहमंत्री खान नेपाल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक 2079 पेश करवा के कार्यसूची। सर्वसाधारण के विरोध पश्चात श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे छोड़ दलन देश। श्रीलंका में दशकों धरि शासन करे वाला पारिवारिक वंश के भेल अंत। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग टू अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज के लिए स्कॉटलैंड में रहल नेपाल खेलत आई दोसर खेल। आई गुरु पूर्णिमा छी, अपना शिक्षा दीक्षा देनिहार गुरु सब के सम्मान क आई पावन मनाओल जाते। हरेक वर्ष अखाड़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन पावन पड़े। गुरु शब्द में गु के अर्थ अनहार और रू के अर्थ इजोड़ होते कहक उपनिषद में उल्लेख है। गुरु कृपा शिष्य के अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के किरण दिश आगू बढ़क लेल बाट देखाबत। गुरुए से प्राप्त भेल ज्ञान से शिष्य सत्य आ असत्य बीच के फर्क के पहचान क सके छथि। ताहि लेल गुरु के सम्मान कयल जाय छनि। पूर्वीय समाज में गुरु के ब्रह्मा विष्णु आ महेश्वर के साथे साक्षात परब्रह्म मानल जाइत अछि। वैदिक शिक्षा माता पिता आ गुरु के देवता के रूप में सम्मान करक लेल सिखाबैत आचार्य देवो भव कहने अछि। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा से शुरू भेल गुरु शिष्य परम्परा गुरु प्रति विनय भ क पूर्ण ज्ञान प्राप्त करय वाला पात्र बनक लेल सिखाबैत अछि। गुरु सम्मान के ई परम्परा हिंदू बौद्ध सिख ताओ सहितक धर्म संस्कृति के साथे वर्तमान शिक्षा में सेहो विद्यमान अछि। एहि परम्परा के आत्मसात क आइ विद्यालय विश्वविद्यालय आ शैक्षिक प्रतिष्ठान सब में गुरु के पूजा क सम्मान कयल गेल अछि। संगीतकर्मी खिलाड़ी अभिनय कला के क्षेत्र में सेहो आजुक दिन गुरु के सम्मान में विविध कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल अछि। आज वे वेदव्यास के जन्मदिन रहला कारण व्यास पूजा सेहो कयल जा रहल अछि। आई नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती मनाओल जा रहल अछि। आदिकवि भानुभक्त आचार्य संस्कृति के आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण के नेपाली सरल भाषा में अनुवाद केने छला। युवा कवि मोतीराम भट्ट के प्रयास में भानुभक्तीय रामायण प्रकाशित भेलाक पश्चात ई ग्रंथ घर घर में गेनाय शुरू कयल गेल आ नेपाली भाषा काव्य रचना के माध्यम बनल। नेपाली भाषा के नेपाली सब के बीच में ई रामायण लोकप्रिय बन गेल। भानुभक्त आचार्य के तनहू जिला के चुंदी रमघा में विक्रम संवत 1871 साल अखाड़ 29 कते पिता धनंजय आचार्य आ माता धर्मावती देवी के पुत्र के रूप में जन्म भेल छल। बाल्यकाल में अपन बाबा श्री कृष्ण आचार्य से संस्कृत भाषा आ साहित्य के ज्ञान प्राप्त करनिहार आदिकवि भानुभक्त एक घास काटवला के प्रेरणा से नेपाली भाषा में रामायण के अनुवाद केने छला। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के अवसर में शुभकामना देलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा आदिकवि भानुभक्त अपन साहित्यिक कृति के माध्यम से नेपाली समाज के सत्य दया अहिंसा न्याय शांति आ परोपकार के मार्ग में चलय के लेल तथा आदर्श चरित्र अपनाब के लेल प्रेरित करनिहार कवि आ सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के एक सशक्त धरोहर रहल बतौलनि अछि। आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के अवसर में स्वदेश तथा विदेश में रहल समस्त नेपाली में शुभकामना व्यक्त करैत प्रधानमंत्री देउवा आदिकवि भानुभक्त के कविता तत्कालीन नेपाली समाज के यथार्थ के सरल तरीका से चित्रण कलाक साथे समाज के लेल शिक्षा आ सकारात्मक संदेश प्रवाह कलक कहक अपन संदेश में उल्लेख कलन अछि। आदिकवि भानुभक्त के रामायण सहित कालजयी साहित्यिक कृति सब एखनो धरि नेपाली समाज में ओतबे लोकप्रिय रहल उल्लेख करैत प्रधानमंत्री देउवा राष्ट्रीय विभूति भानुभक्त के जन्म जयंती के अवसर में हुनका श्रद्धापूर्वक स्मरण कलन अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम।
मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के केन्द्रीय विस्तारित बेसार बुद्ध दिन अर्थात आई बेस रहल केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराय पक्ष के बेसार काठमांडू में बेस रहल तहिना कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष के बेसार वीरगंज में बेस रहल पिछला किछ समय से दुनू अध्यक्ष के बीच पार्टी में खटपट भल मंगल दिनक बैसार में अध्यक्ष भट्टराय दोसर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पद के लोभ कलन आ अन्य कम्युनिस्ट तथा कांग्रेस पार्टी जेहन वैकल्पिक रूप में उदय भेल पार्टी जसपा सेहो शिकार भेल बतौने छला। संघीय संसद के निचला सदन प्रतिनिधि सभा के बैसार आई बुध दिन बैसल बैसार भिनसर 11 बजे संसद भवन नया बानेश्वर में बैसल संसद सचिवालय जनौलक। बैसार में गृहमंत्री बालकृष्ण खान नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 पेश करबाक नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 के प्रस्तुत करबाक अनुमति मांगबाक प्रस्ताव पर प्रेम सुवाल शेर बहादुर तामांग आ डॉक्टर भीम बहादुर रावल द्वारा प्रस्तुत कयल गेल विरोध के सूचना सबके निर्णयात प्रस्तुत करबाक कार्यसूची रहल तहिना शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2076 के दफावार चर्चाक लेल संबंधित समिति में पठाओल जाय कहिक प्रस्ताव प्रस्तुत करबाक राष्ट्रीय सभा के संदेश सहित के नेपाल रेलवे विधेयक 2079 संशोधन के निर्णयार्थ प्रस्तुत करबाक औषधि तेसर संशोधन विधेयक 2079 ऊपर प्राप्त संशोधन सबके निर्णयार्थ प्रस्तुत कयल जायत कहिक कार्यसूची में उल्लेख है। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक बुध दिनक लेल विदेशी मुद्रा के विनिमय दर तय कयलक अछि। अमेरिकी डॉलर 1 के खरीद दर 127.06 रुपया आ बिक्री दर 127.66 रुपया पहुँचल अछि। तहिना यूरो 1 के खरीद दर 127.23 बिक्री दर 127.83 रुपया रहल अछि। यूरो घटिकर डॉलर बढ़ला पर बुध दिन यूरो आ डॉलर समान अंक में पहुँचल अछि। बिलायती पाउंड 1 के खरीद दर 150.47 रुपया आ बिक्री दर 151.18 रुपया रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य 1 के खरीद दर 34.63 रुपया आ बिक्री दर 34.80 रुपया रहल। राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंकाक राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे देश छोड़कर भाग गेल छथि। सर्वसाधारण के विरोध पश्चात 73 वर्षक राष्ट्रपति राजापक्षे देश छोड़कर भाग गेल छथि और मालदीव्स के राजधानी माले पहुँचल छथि। अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। राजापक्षे के विदाई से श्रीलंका में दशकों धरि शासन करैत आबि रहल पारिवारिक वंश के अंत्य भ गेल बताओल गेल अछि। बीतल शनि दिन राष्ट्रपति निवास में प्रदर्शनकारी सब आक्रमण कलाक पश्चात राजापक्षे नुकाकर रहि रहल छलाह। हुनकर भाई पूर्व अर्थमंत्री वसील राजापक्षे सेहो देश छोड़ देलन। बीबीसी जनौलक अछि। ओ अमेरिका जेबाक तैयारी कऽ रहल समाचार में उल्लेख अछि। आब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज के लिए स्कॉटलैंड में रहल नेपाली टोली आए दोसर खेल खेलत। नेपाल सीरीज के दोसर खेल में घरेलू टोली स्कॉटलैंड के सामना करत। नेपाल आ स्कॉटलैंड बीच के खेल नेपाली समय अनुसार दोपहर 3:15 बजे शुरू होयत। नेपाल आ स्कॉटलैंड के पराजित करैत सीरीज में पहिल जीत हासिल करबाक सोच में अछि। नेपाल पहिल खेल में नामीबिया संगे 40 रन से पराजित भेल छल। स्कॉटलैंड लगातार दोसर जीत के खोजी में अछि। पहिल खेल में स्कॉटलैंड नामीबिया के 77 रन से पराजित कलक छल।
लीग टू के अंक तालिका में नेपाल 17 खेल में 15 अंक जोड़े छठम स्थान में है। स्कॉटलैंड 21 खेल में 30 अंक जोड़े दोसर स्थान में है। सीरीज अंतर्गत अब नेपाल तेसर खेल में नामीबिया विरुद्ध शनि दिन आ अंतिम खेल में स्कॉटलैंड विरुद्ध दोसर रवि दिन खेलत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आज छी गुरु पूर्णिमा, अपना शिक्षा दीक्षा देनिहार गुरु के सम्मान करत मनाओल जा रहल अछि गुरु पूर्णिमा। नेपाली भाषा का आदिकवि भानुभक्त आचार्य के छी आज जन्म जयंती, एहि अवसर पर प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा देलनि शुभकामना। संघीय संसद के निचला सदन प्रतिनिधि सभा के आई बैसल अछि बैसार। बैसार में गृहमंत्री खार नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 पेश करवाक अछि कार्यसूची। सर्वसाधारण के विरोध पश्चात श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे छोड़ देलनि देश। श्रीलंका में दशकों धरि शासन करय वाला पारिवारिक वंश के भेल अंत। आ आईसीसी पुरुष विश्व कप लीग टू अंतर्गत के त्रिकोणात्मक सीरीज के लिए स्कॉटलैंड में रहल नेपाल खेलत आई दोसर खेल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।